नमो देव्य महादेव्य शिवाय शतन नमा नमा प्रकृति भद्राय नियताम प्रणतराश्मताम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं माँ सिद्धधात्री जो कि नवम स्वरूप है भगवती का। ऐसी माँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और यही कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शक्ति की सर्वोच्च देवी माँ आदिशक्ति पराम्बा पराशक्ति भगवान शिव के बाएं अर्थात आधे भाग में सिद्धधात्री के रूप में भगवती प्रकट हुई है और माँ सिद्धधात्री अपने सभी भक्तों का निरंतर सिद्धियां प्रदान करती रहती हैं, भक्तों का कल्याण करती रहती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी देवी सिद्धधात्री की सहायता से अपनी सभी सिद्धियां प्राप्त की हैं, क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म बिल्कुल बेकार है। इसी तरह से घर में स्त्रियों का भी हमको सम्मान पूरी तरह से करना चाहिए। माँ सिद्धधात्री केवल मनुष्यों द्वारा ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, शूर, यक्ष, सिद्ध, गंधर्व सभी उनकी पूजा करते हैं। जब माँ सिद्धधात्री शिव के बाएं अर्थात आधे भाग से प्रकट हुई, तब भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। माँ सिद्धधात्री का आसन कमल पर विराजमान है भगवती, कमल का पुष्प है भगवती का, अस्त्र शस्त्र है भगवती के, दाहिने हाथ में गदा, चक्र, बाएं हाथ में कमल फूल और शंख शोभायमान हो रहा है। इनका ग्रह जो है केतु है, रंग बैगनी है और इस तरह से माँ भगवती अपने भक्तों का सदैव कल्याण करें, यही मंगल कामना है आप सभी के लिए। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माँ गंगे।